हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कस्टमाइजेशन लेके आया हूँ आपके डिवाइस की, जिससे जो है आप अपने डिवाइस को जो है बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, बिल्कुल ही कस्टमाइज़ करके उसके आइकन्स जो हैं, उसके जो वॉलपेपर हैं, उसके जो पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल ही फ्लैगशिप डिवाइस की तरह कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कैसे नहीं, आप मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ जो हैं अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको 4 ऐप्स डाउनलोड करनी होगी, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। लेकिन ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उनका काम क्या है, वो कस्टमाइज कैसे करना है, आप यहाँ पे वीडियो पहले मेरा देखते रहिए। जो पहला हमारा ऐप है वो है हमारा क्रिएटिव लॉन्चर। क्रिएटिव लॉन्चर जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये परमिशंस वगैरह मांगेगा, तो आपने सभी परमिशन यहाँ पे अलाउ कर देनी है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आइकन्स मिलते हैं और यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप अपनी रैम को यहीं पे रिलीज़ कर लेंगे और आपका फ़ोन हैंग भी नहीं होगा। और इसमें इसका जो एनिमेशन है बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप इसका मेन्यू ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका मेन्यू ओपन किया तो इसका मेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन होता है, जैसे कोई आपका फ़ोन देखेगा तो बिल्कुल ही हैरान रह जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसका वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसका पर चेंज करना है, तो उसके लिए भी एक ऐप डाउनलोड करनी होगी आपको। तो वो कौन सी है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है। वो S20 वॉलपेपर, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे। जब आप इसे ओपन करेंगे, S20 अल्ट्रा वॉलपेपर, S20 अल्ट्रा जो आपका लेटेस्ट डिवाइस यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है, तो मैं सेट एज ए वॉलपेपर कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर दिया। जब मैं बैक आऊँगा, ठीक है, बैक आने के बाद जो है मेरे फ़ोन का वॉलपेपर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जैसे मैं क्रिएटिव लॉन्चर ओपन करूँगा तो देख सकते हो मेरे फ़ोन का लुक बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज हो चुका है, बिल्कुल ही अलग तरीके का दिख रहा है। तो ये लॉन्चर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लॉन्चर, ठीक है, सेकंड लॉन्चर आता है हमारा यहाँ पे कूल EM लॉन्चर। कूल EM लॉन्चर के जो आइकन्स हैं ये बिल्कुल ही अलग तरीके के हैं, इसके जो आइकन हैं बिल्कुल ही MI की तरह हैं, जैसे कि MI के लॉन्चर के जो MI के आइकन्स होते हैं उस तरह के आपके फ़ोन के आइकन्स जो हैं वो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉल के देखते हो, तो ये बिल्कुल MI की लुक दे रहे हैं। तो ये लॉन्चर भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका भी लिंक मैंने इसको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से इस लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो इसकी वॉच है इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वॉच यहाँ पर आइकन सब कुछ यहाँ पर आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पर विजिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की वॉचेस मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके की वॉचेस, जो भी वॉचेस आपने रखनी है वो यहाँ पे एडजस्ट करके रख सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत कुछ शॉर्टकट है जो कि आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। उसके बाद हम जो है थर्ड वाले लॉन्चर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, वो है हमारा नोवा लॉन्चर। तो नोवा लॉन्चर बहुत ही बढ़िया है, तो इसके जो वॉचेस है देख सकते हो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना चेंज, आपने फिर से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर आपने यहाँ पे विजिट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे वॉचेस मिलेंगी अलग अलग तरीके की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं ये वाली वॉच यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अगले वाले होम पेज पे यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे वॉचेस मिल जाएंगी। तो आप कोई सी भी वॉचेस जो आपकी पसंद की है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं इजीली। तो जैसे कि मैंने ये वाली वॉच यहाँ पे सेट कर ली है, तो ये काफ़ी बढ़िया लॉन्चर है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आइकन यहाँ पे फिट किए हैं, तो यहाँ पे आइकन नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी आइकन उठाना है, यहाँ पे नीचे स्लाइड करना है, फिर यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आइकन सेट कर सकते हैं और अपने होम पेज को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ का अगर वॉलपेपर चेंज करना हो आपको तो वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई और वॉलपेपर रखना चाहता हूँ, तो मैं वॉलपेपर वाले ऑप्शन को खोलूँगा, फिर जो है इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है, ओपन हो गया। फिर उसके बाद मान लो कि आप ये वाला वॉलपेपर, मान लो कि आप ये वाला वॉलपेपर रखना चाहते हैं S20 का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है वॉलपेपर, थोड़ी सी ऐड आएगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपने ऐड को स्किप कर देना है, फिर सेट एज ए वॉलपेपर कर देना है, ठीक है। फिर आप बैक आएंगे तो आपके फ़ोन में इस तरह का वॉलपेपर सेट हो जाएगा, तो कोई भी देखेगा वो बिल्कुल ही हैरान रह जाएगा, भाई आपने अपना फ़ोन कस्टमाइज़ कैसे किया है, प्लीज़ हमारा डिवाइस को भी कस्टमाइज़ कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी लॉन्चर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 लॉन्चर्स और एक वॉलपेपर ऐप्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।